अपने अबे दी कबर दे चले जाया रे, अपनी मां दी कबर दे चले जाया रे, ओए सारे वीरा अपनी अम्मा दी अबे दी कबर दे इंज गोलदारा बना के खड़े हो जाया रे। उथे अल्लाह दा कुरान पढ़िया रे, उथे नबी दे दरोद पढ़िया रे। आख्या जे अबू जी असी तुहानू भुले नहीं, हम्मी जी कई साल हो गए ने साढ़े वेड़ियों टुर गए हो, हम्मी जी तुहानू मिलण आए आ, अबू जी तुहानू मिलण आए आ। शकीर तेरे मजमे दियां अखां नमने जुमले सुन जाया रे, वे जड़े चंगे पुत्तर आंदे ने नौरानी सा मावां दियां कबरां ते जांदे ने, अपने बाप दी कबर ते जांदे ने। इन्हां बीवियां राजी नहीं होना, इन्हां बच्चियां राजी नहीं होना, हे तेरे सहुरियां राजी नहीं होना। जा मेरी गल दिल दिल के लै रही, जिन्ना मर्जी भी खचा दे लै, जिन्ने मर्जी भी कपड़े लैके दे लै, इन्हां बीवियां सारी जिंदगी तेरे ते राजी नहीं होना। किते मां रुसा ना बैठे आ रे, किते प्यो रुसा ना बैठे आ रे। जे मां प्यो रुस गया तेरी दुनिया उजड़ जानी आ, तेरा कारोबार उजड़ जाना है, तेरी कबर जहन्नम दी अग बन जानी आ। ओ गोरियां दी सरजमीन विच बैण आ लिया, ताइयों सुल्तानी कह रहा वे, उफी वाला तन हर हुमा वकुल्ला हुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमांदा है जिथे अब्बा यार है उथे सिर झुका लिया रे, उथे लहजा नरम कर लिया रे, उथे बोली नरम कर लिया रे। इधर वेखियो बापियो जरा मेरे वाल, उथे बाप दे सामने उची ना बोलिया रे, उथे हथ बन के खलो जाया रे। अबू जी जिमें आर्डर करदे हो, अबू जी जिमें हुक्म करदे हो, अपने अबे नूं उफ ना करिया रे। हे जदों बाप बुलावे अबू जी कह के सामने आ जाई, जदों मां बुलावे अम्मी जी कह के सामने आ जाई। हे रोण वाले आ यतीमा नूं पुछ लै, इन्हां पियोवां दियां कदरां की होंदियां ने। मैं अगले दिन गुजरां वाले दे ख्याली बाईपास ते मंजर वेख्या है। हे गोरियां वाले ओ, 12 साल दा बच्चा जे मैं होटल दे पांडे धोंदियां वेख्या है, ओदियां अखां विच अथरो जारी ने। अल्लाह दी कसम रोण वाले ओ, हे अज जुमले सुल्तानी दे दिल ते लेके लै जाया रे। बाबा जी छोटा जिहा बच्चा है, हे बच्चे छोटे आण, हे बाप दुनिया तू चला जावे। मैं चाचे रोंदे वेखे ने, मैं मामे रोंदे वेखे ने, अज जुमले सुल्तानी दे लेके लै जाया रे। अल्लाह दी कसम कायनात आलिया, हे दुनिया दा माल इत्थे रह जाना ई, कोठियां इत्थे रह जानियां नी, गड्डियां इत्थे रह जानियां नी, अपने प्यो दी कंड दा सहारा बन जाई। इन्हां शरीकां नूं दसी असी अब्बा नहीं छड़िया, इन्हां शरीकां नूं दसी असी प्यो दी कंड नहीं लगन दीती, अपने बाप दे बाजू बन जाया रे, अपने बाप दी कंड दा सहारा बन जाया रे। 12 साल दा शकील सा बच्चा है, अज तुसी ते जवान हो गए हो, अज तुहाडे बच्चे भी तुहाडे कोल ने, अज तुहाडियां बीवियां भी तुहाडे कोल ने, अज मकान भी बन गए ने, अज रौनकां भी लग गईयां ने। उहनां नूं पुछो जिन्हां दा प्यो दे सिवा कोई नहीं आउंदा, जिन्हां दा अबे दे सिवा कोई नहीं आउंदा। रोण वाले ओ बच्चा मेरे सीने लग गया है, मैं क्या पुत्रा क्यों रोना है। आंदा मौलवी जी रोजाना मैनू मालक गालियां देंदा है, रोजाना मेरे मुँह ते थप्पड़ मारदा है, मैं क्या जानदा क्यों नहीं। आंदा मौलवी जी मैं की करां, अज मेरा प्यो आंदा मेरे पिछे आ जांदा। हे पिंड विच लड़ाई लग जाए पियोवां दियां जुत्तियां लथ जांदियां ने। आंदे ने खबरदार, हे मेरे हुंदियां मेरे पुत्तर नूं ना मारिया जे, की समझ के मेरे पुत्तर नूं हथ लाया रे। हजे अप्पा सिर ते मौजूद, हजे बाप सिर ते मौजूद। हे रोण वाले ओ बाबियो, अज औलादां बदल गईयां जे, अज पुत्तर बदल गए जे, अज नूंहां
बदल गईयां जे हजे पियो सामने रोंदा छड़ के नस गया है हजे अब्बा सामने रोंदा छड़ के बीवी दे कमरे च वड़ गया है इन्हें पियो दा रोना नहीं वेख्या बाबा जुमले समाध कर आ रहे गल बड़ी बड़ी सुना रहा वा हे यतीम रोंदा जे रो रो के आंदा है मौलवी जी जे अज बहा पौंदा मैनू कदी ना मारन देंदा ओए बाबे ओ अल्लाह तेरे अथरों कबूल करे अज मेरा वालद आंदा कदी कोई मैनू थप्पड़ ना मारदा कदी कोई मैनू चिड़क ना मारदा ओए अब्बा ओ वे ओए वड्डा छोटियां नू चिड़क मारन लगे अब्बा आंदा खबरदार मेरे पुत्रां नू चिड़क ना मारी मेरिया शहजादियां नू चिड़क ना मारी ओए मेरे वास्ते ते सारे इको जैसे हो बाबा जी सारियां नू पढ़ांदा है सारियां नू लिखांदा है थाइयों ते सुल्तानी अज कैमरे दे सामने सारी दुनिया नू पैगाम दे के टुर चला है ऐ जिन्ने मानो सताया बाबा जी जरा मेरे वल वेखे आ जे ऐ जिन्ने मानो सताया शकीर साहब अल्लाह तुहाडे अप्पू दी बख्शिश फरमावे एने बाबे पे रोंदे नहीं पता नहीं किदा रोना कबूल हो जाए तेरी अम्मी ते अप्पू दी बख्शिश दा समापन। भाई मुहम्मद शकील साहेब भाई मुहम्मद नबील साहेब भाई शहजाद साहेब और जिन्हें भी ये भाई ने इन्हां दे अबू जान दे ख़त्म दे अंदर असी सारे तशरीफ फरमावां दुआ करन वास्ते बैठे हाँ कि अल्लाह करीम इन्हां दी अम्मी जान नूं भी इन्हां दे अबू जान नूं भी जन्नतुल फरदोस विच आला मकाम अता फरमाए। जदों इन्हां दी वालदा साहबा फोत होईयां सन ते उदों भी मैं मौजूद सां ते वाल साहब भी चले गए जन्नत दियां दो बहारां जिहड़ियां सन ना वह इन्हां दे वेड़ियों निकल चुकियां ने। इस तरह मेरे तो कबल अलामा साहब खूबसूरत और मुदल्लल बयान फरमा रहे सन उन्हां तो बाद आप दे इलाके दी जानी पेशानी शख्सियत अजीम आवाज़ अजीम शख्सियत जनाब मोहतरम भाई मौलाना शरीफ नूरानी साहेब माशाल्लाह इन्हां दी आवाज़ भी खूबसूरत है और चेहरा भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुताबिक और लहजा भी खूबसूरत अल्लाह मजीद बरकतां अता फरमाए क्योंकि जिहड़ा टाइम दुआ दा है इंशाल्लाह उही टाइम ते दुआ कीती जाएगी। मैं पौने एक बजे तकरीर छड़ देंगा उस तो बाद फिर खत्मे पाक भी पढ़िया जाएगा तो फिर नाल ही 50 मिनट ते दुआए खैर इंशाल्लाह दुआए बख्शिश हो जाएगी। अज का ये जड़ा प्रोग्राम है दसवें शरीफ का खत्मे पा के मैं अज किसी के प्रोग्राम से नहीं आया ये मेरा जाती प्रोग्राम है और घर का प्रोग्राम है। शरीफ नूरानी साहब ने भी शकील साहब ने दसिया तो इन्हां नाल बड़ा अच्छा ताल्लुक है और सिर्फ इन्हां तक नहीं इन्हां दे रिश्तेदारां तक भी इन्हां दे थ्रू ही असी पहुँचे हाँ तो बहुत ही अच्छे इंसान ने उलमा नाल मुहब्बत करते ने इज्जत करते ने नात खावां नाल इज्जत करते ने इन्हां दे तकरीबन भाई भी महफल के अंदर ही मौजूद होंगे तो ये मेरे अपने घर का प्रोग्राम मैं इनकार नहीं कर सकिया प्रोग्राम ही आया सी तो मैं वो कोई और बंदा उत्थे भेजिया तो मैं क्या जी ये मैं अपना घर इत्थे मैं जरूर पहुँचना अल्लाह पाक इन्हां दे अबू जान इन्हां दी अम्मी जान की बख्शिश फरमाए। तुसी सारे गोरियां दी मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाओ और बड़े बाजोक लोग हो तुसी मुहब्बत नाल सुनने वाले लोग हो उल्फत नाल बहन वाले लोग हो बुजुर्ग चेहरे तशरीफ फरमा ने नौजवान बैठे ने मैं बिला तमहीद ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने वाला 15वां सिपारा है सूरत बनी इसराइल है अलामा साहब अजमत वालद के हवाले के नाल खूबसूरत बयान फरमा चुके अल्लाह मजीद इल्मो अमल अंदर बरकतां अता फरमाए। बाबा जी ये जड़े वालदैन है ना वालदैन वालदैन विच वालद भी है तो वालदा भी है अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हां दे हकूक अपनी पाक किताब लरैब किताब के अंदर दसे ने भी वालद दा की मकाम है वालदा दा की मकाम है लफ्ज़ वालदैन अल्लाह ने इस्तेमाल किया है और अल्लाह तबारक व ताला ने यह भी दसिया अज साडा सोच बदल गई साडा लहजा बदल गया सानू हर बंदे नाल गल करन दा पता है कि SHO नाल गल किवें करनी है DPO नाल गल किवें करनी है ASI नाल गल किवें करनी है
लेकिन साडे नौजवान नसल नूं ये नहीं पता वी अब्बे नाल गल किवें करनी है ते अम्मा नाल गल किवें करनी है। वड्डा बंदा होवे ना ते किसे दा पुत्तर चाचे नाल बदतमीजी करे ते ओह आंदा मैं तेरे अब्बे नूं दसांगा वी तू ए तरबीयत कीती है कि इहनूं चाचे नाल गल करन दा नहीं पता, इहनूं मामे नाल गल करन दा नहीं पता। ते लोग आंदे ने कि वड्डियां दी इज्जत करनी चाहीदी है, चाचे दी मामे दी इज्जत बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। बाबा जे चाचे की इज्जत है, जे मामे की इज्जत है, जे खाला की इज्जत है, जे पुप्पो की इज्जत है, जे ताए की इज्जत है, तो अब्बे की कोई इज्जत नहीं, बाप की कोई इज्जत नहीं। सारिया नाल तू अदब नाल बोले, सारिया नाल तू जी करके बोले, चाचा जी, ताया जी, मामा जी, खाला जी। तो जो अब्बे नूं आखे तो आखे हाँ बा की गल है, इंज नहीं होना चाहिए। तेरे सारे रिश्ते एक पासे ने, वालद का रिश्ता एक पासे वे। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के आना, जे वालद की कदर पूछनी है ना तो किसी यतीम नूं पुछ जिदे सिर ते बाप का साया कोई नहीं। जे पैरां की कदर पूछनी है ना तो ए मेन रोड सियालकोट नूं जा रहा किसी लूले नूं पुछ, जिहड़ा लंगड़े नूं पुछ जिहड़ा चल नहीं सकता तो व्हील चेयर ते बैठा, वह तैनूं दसेगा कि इन्हां पैरां दी अहमियत की है। जे अखां दी कदर पुछनी आ ते जा हस्पतालां दे अंदर जा के उन्हां नबीनियां नूं पुछ कि जिहड़े मस्जिद च वी बगैर सहारे तू जा सकदे नहीं, उन्हां नूं बंदे दी लोड़ हुंदी है, सहारा देणगे ते उह टुरनगे, फिर तैनूं अखां दी अहमियत दा पता लगेगा। जिन्ना तक जिंदा होंदे ने ना ते कदर कोई नहीं आउंदी। वे ठीक है, अब्बे हरी ते अब्बे हरी ने, अम्मा हरी ते अम्मा हरी ने। जदों ये नेमत दुनिया तो चली जाती है, जदों चाचे अपना चेहरा सामने करते हैं, जदों ताए अपना चेहरा सामने करते हैं, जदों मामे भी आते हैं ना साडे वेड़े ना बड़े आ जे साडे कोल की लैना जे, जदों नानके भी मुक गए ते दादके भी मुक गए। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के आना, उदों बाप बड़ा याद आता जे, जदों जुत्ती भी कोई ना लैके दवे ते जदों कपड़िया का भी ख्याल कोई ना हो। नूरानी साहब ये सारे भरा जवान ने, अगों इन्हां दी औलाद हो गई है, वह बाबा पोतरिया वाला हो के दुनिया तो गया। मैनू ईमानदारी ना दसो, बाबा एक जानवर डेरे ते रखिया होवे तो उन्हें पालना औखा हुंदा है? ते जिन्हें इन्हें पुत्रां नूं पालिया है, जिन्हें इन्हें पुत्रां नूं जवान कीता है, कोई दुबई है, कोई कितले वे, ये सारी जिंदगी भी अब्बे वास्ते दुआ करन ते अब्बे का हक अदा नहीं हो सकता। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, ये जमदे अमीर नहीं सन, ये मां की गोद विचों पैसे लैके नहीं सन आए, पिछे किसी बाप की मेहनत लगी है, किसे पिछे किसे बाप दे पैसे लगे ने। जे पुत्र ने आख्या अब्बा मैं इतने नहीं रहना, उन्हें क्या किन्ने पैसे चाहिए ने? अब्बा इन्ने चाहिए ने। उन्हें क्या एला वीज़ा लवा, टिकट ला ते जिथे मर्जी जाओ। ते रब्बे काबा की इज्जत की कसम गोरियां लियो, पुत्र खांदे हो ना ते माँ प्यो नूं बड़ी खुशी होंदी, जे औलाद खांदी होवे ना बाबा जी ते माँ प्यो नूं बड़ी खुशी होंदी है। ऐ बाबे जी तू चाह ली दुकान ते बैठे हो ना ते एवें पिया दिन बशीर मुंडे मेरे गड्डी लई आ, कहिंदा चाचा तू तो नहीं लई तेरे मुंडे लई, एडा खुश क्यों होना है? कहिंदा चाह भी अज मैं तुहानूं पियावांगा, मैं तुहानूं मठियाई भी खवावांगा, क्यों? मेरे पुत्र ने गड्डी लई है, मेरे पुत्र ने मकान बनाए ने। वो चलियो जिहड़ा इन्ना चाह करे, पता नहीं उहनूं गड्डी च बहना भी नसीब होना है कि नहीं होना। नूरानी साहब पता नहीं उहनूं मकान च रहना भी नसीब होना है कि नहीं होना, लेकिन वह अंदरों खुश होंदा है, अंदरों राजी होंदा है। भावें पुत्र बाप नूं जाने तो भावें ना जाने, बाप फिर भी राजी होंदा, खुश होंदा। ते तू अज एक बीवी दे आखे लग के ते तू बाप नूं वेड़े ना वड़न दवें, तू अज बच्चियां दी खातर अब्बे दा हाल ना पुछे। जी अब्बे हरी दूसरे हल रहिंदे ने, मैं क्या चल जिहदे हल मर्जी रहन, तेरा हक मुकते नहीं ना गया। बाबा तेरे बाप दी चिट्टी दाढ़ी हो गई, मैं ते नूरानी साहब अक्सर कहना कि पुत्र रोज़ाना अब्बे दी दाढ़ी नूं चूमे, रोज़ाना बाप दी, अल्लाह तुहाडे अथरू कबूल फरमाए बाबे, और रोज़ाना अब्बे की दाढ़ी नूं चूमे। ये वाल एवें नहीं चिट्टे हो गए, अज उस बाबे दे पुत्र भी जवान हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तो जो बहारा वेखण दा वेला आया तो वह गोरियां दे कब्रस्तान में जाके सौ गया। आंदा ते होना शकील पुत्र को कमी तो नहीं मैं छड़ी, नबील पुत्र थोड़े अब्बे को कमी तो नहीं छड़ी। फिर पुत्रां ने भी हक अदा किया होना, हज भी करवाया, हर चीज़ की थी। बाबा औलाद का हक बनता है कि जदों औलाद जवान हो जाए फिर अब्बे नूं इन्नी खुशी दवे, इन्नी बहार दवे
वह भरावां विच भी बैठा होवे ते आखे मेरी औलाद चंगी है, मेरी औलाद मेरे नाल दामन करदी है, मेरी औलाद मेरे नाल मुहब्बत करदी है। बाबा जी ताइयों ते रोमीए कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह गोरियां दी सरजमीन अंदर बैण आलियो भाई शकील साहब दे वालत ते खतम विच रौण आलिया होए बाप बाप आंदे ने होए वालत वालत आंदे ने कदी बाप नूं गाली ना दे आले कदी बाप नूं छिड़क ना मारे आले कदी बाप दा दिल ना दुखाया रे अज सुल्तानी तेरे दिल दियां खिड़कियां खोल के जाएगा होए बाप रोवे अल्लाह दा अर्श हिल जांदा आई भाई नबील साहब भाई शकील साहब होए बाप रोवे आसमान वाला रब नाराज हो जांदा आई कदी पियो नू गिरेबान तो ना फड़िया रे कदी बाप दियां अखां विच अथरू ना आउण दे आ रे है वीडियो सारी दुनिया तक जा रही यूरोप तक जा रही अरब दुनिया तक जा रही आ अज सुल्तानी गोरियां दियां बंदियां विच बह के गल पिया करदा है मियां साहब आंदे ने सदा ना बागी आए हाय हाय सुनियो सुनियो लोको है सदा ना बागी है बोले 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 ते सदा ना बागे बाबा जी मेरे अखा जख पाई है सदा ना बागी अज प्यो रोंदे ने अज पुत्र गड्डी लैके दौड़ जांदा है अज बीवी दी गल सुनदा है अज अपे नूं हाल नहीं पुछदा अज प्यो गोरियां दियां गलियां विच रुल गए ने अज प्यो गोरियां दियां सड़कां ते रुल गए ने अज किसे नी जफा पाया अज किसे अपे दे अथरू नहीं पूंजे अज किसे ने बाप नूं तसल्ली नहीं दित्ती रोमीए कश्मीर मियां साहब दी कलम उठी आ सुनी गल मियां साहब आंदे ने सदा ना बागी है बोले बाबा जी अंदरू सुनियो गल है सदा ना बागी है बोले 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 ते सदा ना बागे बहारा है सदा ना मापे है सजनो है सदा ना मापे है हुसैन जवानी ते सदा ना सोहे बदे यारा अज शकील दियां अखां नमी हो गईयां ने हे क्यों प्या रोंदा है आंदा आउणा है मेरी मां भी टुर गई जे अज मेरा बाबा भी टुर गया जे अज असी यतीम हो गए जे हे गोरियां आले ओ हुण साडे पिछे दुआवां करण आला कोई नहीं रहा हुण मुसल्ले पाके रोण आला कोई नहीं रहा शकील साहब अल्लाह दी कसम उठा के आना हे प्यो नल वेड़े दस कौन आंदा है तू तो बही रहना सै तेनू कार दी फिकर नहीं आनी अब्बा वेड़े मजौर है हे बाप वेड़े मजौर है इन्हें पोतरियां नल प्यार कीता है इन्हें दोतरियां नल प्यार कीता है हे गोरियां आलियो मेरे जुमले सुन जा यार मेरे नबी दा ऐलान सुन यार मेरे नबी ने फरमाया है जिन्ने पियो नु दुख दिता है जिन्ने अपे नु छिड़क मारी है अज बीवी अगे हो गई है अज मां पीछे हो गई है अज बीवी अगे में बाबा जी अज वडेरा पीछे हो गया है अज पियो नु दाबे मारना है अज अपे नु छिड़का मारना है अज अपे दा गल गल ते दिल दुखाना है तेरे मेहमान आए ने रिश्तेदार आए ने मोहल्लेदार आए ने अज जुमले सुन जाया रे कुरान कह रहा है कुरान कह रहा है फिर मैं कह रहा कुरान कह रहा है उफी वाला तन हर हमा वकुल हमा कौल करी मा इंज नहीं एक बारी गज के आख सुबहान अल्लाह
अल्लाह दा कुरान आयो वे सुल्तानी जुर्मदार शकील सावे मोहम्मद दा फरमान हे अल्लाह दा कुरान अल्लाह ने फरमाया अब्बे नू ओफना करी अब्बे दे सामने ओफना करी अज पुत्र गालां कढ़ देने अज पुत्र दाबे मार देने कुरान कह रहा है अब्बे दे सामने ओफना कर यार अज सारियां गोरियां बैठियां ने जुमले सुन जाया ने और सियाल कोटी जो अल्लाह दी कसम उठा के आना वा जिन्हें प्यो नू सताया रे उन्हें सुख नहीं जे पाया जिन्हें मां नू सताया रे उन्हें सुख नहीं जे पाया जिन्हें बाप नू धक्के मारे ने जिन्हें बाप नू वेड़ियों कढ़िया वे अज पुत्र कोठियां आले हो गए ने अज पुत्र हवेलियां आले हो गए ने मैं अस्सी अस्सी साल दे बाबे रोंदे वेखे ने आंदे ने अलामा साहब तेरियां तकरीरां सुन के रोने दुआ कर सानू मौत आ जाए शरीफ नौरानी साहब मेरिया अखां नमें हो जांदियां ने जिदों वडेरे बाप रो के मैनू फोन करदे ने एक फोन करके आंदा सुल्तानी मेरे पांच पुत्र ने अज मैनू पुछदा कोई नहीं अज मेरा हाल पुछदा कोई नहीं अज बीवियां लै के वखरे हो गए ने अज बीवियां लै के पिछाए हो गए ने मैं सारा दिन रोंदा रहना वा आंदा रहना या अल्लाह मैं बड़े औखे पाले ने अज पुत्रां दे दिल ते असर कोई नहीं अज खत्म दवाया ते मुक गई गल ना ना अल्लाह दी कसम उठा के आना वा शकील तेरे सारे भाई पता नहीं किथे किथे बैठे होने ने पर अल्लाह दी कसम उठा के सुल्तानी कह रहे आई अपने अब्बे दी कबर ते चले जाया रे अपनी मां दी कबर ते चले जाया रे ओए सारे बीरा अपनी अम्मा दी अब्बे दी कबर ते इंज गोलदारा बना के खड़े हो जाया रे उथे अल्लाह दा कुरान पढ़िया रे उथे नबी ते दरोद पढ़िया रे आख्या जे अबू जी असी तुहानू भुल्ले नहीं हम्मी जी कई साल हो गए ने साढ़े वेड़ियों टुर गए हो हम्मी जी तुहानू मिलण आए हाँ अबू जी तुहानू मिलण आए हाँ शकील तेरे मजमे दियां अखां नमने जुमले सुन जाया रे वे जड़े चंगे पुत्र आंदे ने नौरानी साहब मावां दियां कबरां ते जांदे ने अपने बाप दी कबर ते जांदे ने इन्हां बीवियां राजी नहीं होना इन्हां बच्चियां राजी नहीं होना हे तेरे सहुरियां राजी नहीं होना जा मेरी गल दिल ते लेके लै रही जिन्ना मर्जी भी खर्चा दे लै जिन्ने मर्जी भी कपड़े लैके दे लै इन्हां बीवियां सारी जिंदगी तेरे ते राजी नहीं होना किते मां रुसा ना बैठे आ रे किते प्यो रुसा ना बैठे आ रे जे मां प्यो रुस गया तेरी दुनिया उजड़ जानी आ तेरा कारोबार उजड़ जाना है तेरी कबर जहन्नम दी अग बन जानी आ ओ गोरियां दी सरजमीन विच बैण आ लिया ताइयों सुल्तानी कह रहा वे उफ़ीम वाला तन हर हुमा वकुल्ला हुमा खौलन करीमा अल्लाह फरमांदा जिथे अब्बा यार है उथे सिर झुका लिया रे उथे लहजा नरम कर लिया रे उथे बोली नरम कर लिया रे इधर वेखियो बापियो जरा मेरे वाल उथे बाप दे सामने उची ना बोले यार है उथे हाथ बन के खलो जाया रे अबू जी जिवें आर्डर कर दे हो अबू जी जिवें हुक्म कर दे हो अपने अब्बे नू ओफ ना कर यार है भई जदों बाप बुलावे अबू जी कह के सामने आ जाए जदों मां बुलावे अम्मी जी कह के सामने आ जाए है रोण वाले यतीमा नू पुछ लै इन्हां पियोवां दियां कदरां की होंदियां ने मैं अगले दिन गुजरां वाले दे ख्याली बाईपास ते मंजर वेख्या है गोरियां वाले ओ 12 साल दा बच्चा जे मैं होटल दे पांडे धोंदियां वेख्या है ओदियां अखां विच अथरो जारी ने अल्लाह दी कसम रोण वाले ओ होए अज जुमले सुल्तानी दे दिल ते लेके लै जाया रे बाबा जी छोटा जिहा बच्चा है होए बच्चे छोटे आण होए बाप दुनिया तू चला जावे मैं चाचे रोंदे वेखे ने मैं मामे रोंदे वेखे ने अज जुमले सुल्तानी दे लेके लै जाया रे अल्लाह दी कसम कायनात आलिया होए दुनिया दा माल इत्थे रह जाना ई कोठियां इत्थे रह जानियां नी गड्डियां इत्थे रह जानियां नी अपने प्यो दी कंड दा सहारा बन जाई इन्हां शरीकां नूं दसी
दसी असी अब्बा नहीं छड़िया, इन्हां शरीकां नूं दसी असी प्यो दी कंड नहीं लगन दीती, अपने बाप दे बाजू बन जाया रे, अपने बाप दी कंड दा सहारा बन जाया रे। 12 साल दा शकील सा बच्चा है, अज तुसी ते जवान हो गए हो, अज तुहाडे बच्चे भी तुहाडे कोल ने, अज तुहाडियां बीवियां भी तुहाडे कोल ने, अज मकान भी बन गए ने, अज रौनकां भी लग गईयां ने। उन्हां नूं पुछो जिन्हां दा प्यो दे सिवा कोई नहीं आउंदा, जिन्हां दा अब्बे दे सिवा कोई नहीं आउंदा, रोण वाले ओ बच्चा मेरे सीने लग गया है। मैं क्या पुत्रा क्यों रोना है? आंदा मौलवी जी रोजाना मैनू मालक गालियां देंदा है, रोजाना मेरे मुंह ते थप्पड़ मारदा है। मैं क्या जांदा क्यों नहीं? आंदा मौलवी जी मैं की करा, अज मेरा प्यो आंदा मेरे पिछे आ जांदा। ओए पिंड विच लड़ाई लग जाए प्योवां दियां जुत्तियां लथ जांदियां ने। आंदे ने खबरदार, ओए मेरे हुंदियां मेरे पुत्र नूं ना मारिया जाए, की समझ के मेरे पुत्र नूं हथ लाया रे। हजे अप्पा सिर ते मौजूद, हजे बाप सिर ते मौजूद, है रोण वाले ओ बाबियो हजे औलादां बदल गईयां जे, हजे पुत्र बदल गए जे, हजे नूहां बदल गईयां जे, हजे प्यो सामने रोंदा छड़ के नस गया है, हजे अप्पा सामने रोंदा छड़ के बीवी दे कमरे च वड़ गया है। इन्हे प्यो दा रोना नहीं वेख्या। बाबा जुमले समाध कर आ रहे, गल बड़ी बड़ी सुना रहा वा, हे यतीम रोंदा जे रो रो के आंदा है मौलवी जी, जे अज बाप आंदा मैनू कदी ना मारन देंदा। ओए बाबे ओ अल्लाह तेरे अथरों कबूल करे, अज मेरा वालद आंदा कदी कोई मैनू थप्पड़ ना मारदा, कदी कोई मैनू चिड़क ना मारदा। ओए अब्बा ओ वे, ओए वड्डा छोटियां नू चिड़क मारन लगे, अब्बा आंदा खबरदार मेरे पुत्रां नू चिड़क ना मारी, मेरिया शहजादियां नू चिड़क ना मारी, ओए मेरे वास्ते ते सारे इको जैसे हो। बाबा जी सारियां नू बढ़ांदा है, सारियां नू लिखांदा है थाइयों ते सुल्तानी, अज कैमरे दे सामने सारी दुनिया नू पैगाम दे के टुर चला है। है जिन्ने मां नू सताया, बाबा जी जरा मेरे वल वेखे आ जे, है जिन्ने मां नू सताया, शकील साहब अल्लाह तुहाडे अप्पू दी बख्शिश फरमावे। एने बाबे पे रोंदे नी, पता नहीं किदा रोना कबूल हो जाए, तेरी अम्मी ते अप्पू दी बख्शे दा समा बन जाए। है रोंदा होवे जिदे अंदर नूरानी साहब दर्द होवे, है रोंदा होवे जिन्हों प्यो याद आंदा होवे। अपना बचपन सारे भरा जेन च रखिया रे, किवें तुहाडा अब्बा तुहानू नहलांदा आउणा है, किवें तुहाडा बाप तुहानू कंधियां ते चुकदा आउणा है, किवें उंगली फड़ के तुहानू टुरांदा आउणा है। शकील साहब नबील साहब शहजाद साहब अल्लाह दी कसम है, हे एहसान नहीं भुली दे, हे बाप दियां कुर्बानियां नहीं भुली दियां, अज सारी दुनिया नू पैगाम दे के सुल्तानी कह रहा है। है जिन्ने मां नू सताया, जी जी बाबा जी, जिन्ने मां नू सताया, है दिल प्यो दा दुखाया, है जिन्ने मां नू सताया। मैनू लगदा कोई वीर तुहाडा बार भी आउणा है, रब्बे काबा दी कसम है शकील, तू अब्बे दे जनाजे विच आया है, तू बाप दी मैयत नू कंधा दिता है। ओए बड़े औखे पेंडे हो जांदे जे, ओए पियोवां तों बगैर बड़े औखे वेले हो जांदे जे, ओए जिन्ने मां नू सताया, ऐ अंदरों सुणियो अंदरों, जिन्ने मां नू सताया, ओए दिल प्यो दा दुखाया, इन्हां दोवां नू रुलाया, ओने अरश हिलाया। बाबा जी इधर देखियो, ओने अरश हिलाया, फड़ खोल के कुरान, नूरानी साहब ये अल्लाह दा कुरान गवाही दे रहा है,
फाड़ खोल के कुरान रब्बी रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा रब्बा नग फिरली वाली वाली दैया बाबे सुन जाया रे ओए नौजवानो पुत्रो गल सुन जाया रे हजे अब्बे नु सीने ला लई हजे बाप दा मथा चुम लई आखी अबू जी जे कोई गलती होई ते माफ कर आ रे अज शकील दे अब्बे दे खत्म ते मौलवी आया सी ते रो के दस गया जे प्यो नु ना छड्या जे अबू नु दुखी ना कर आ रे बाप फिर नहीं जे आंदे हैरान आले ओ जुमले सुन जाया रे फाड़ खोल के कुरान कहंदे रब रहमान केड़िया नमाजा ते माणी केड़िया हजा ते माणे केड़िया कोठिया ते माणे होए अल्लाह ओदे ते राजी है जिदे ते अब्बा राजी है अल्लाह ओदे ते राजी है जिदे ते वालद राजी है फाड़ खोल के कुरान कहंदे रब रहमान फाड़ सख्त दिल नाल मेरी गल नहीं जिदे अंदर माँ प्यो दा प्यार है ओदे नाल गल है फाड़ खोल के कुरान कहंदे रब रहमान फाड़ खोल के कुरान कहंदे रब रहमान फरमान वखरा शान सब दिए यारो आपो अपनी ते मापिया दा एक बार आखो मेरे नाल मापिया दा शान वखरा वखरा मापिया दा शान वखरा वखरा नूरानी साहब अगला मिसरा दुनिया रुला गई है जुमले सुनिया रे जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया जो करे हो कौन बाबे पुत्र डिगदा सी प्यो चुकदा सी आपी सोटी ते आ गया पुत्र जवान कर गया है पुत्र जवान कर गया है मजबूत हड्डियां कर गया है ये पुत्रां दियां मालशां करदा सी पुत्रो तुहाडियां हड्डियां मजबूत होण इन्ने कदी खुद दुध नहीं सी पीता अपनी बीवी नूं आंदा सी मेरिआं पुत्रां नूं दे मेरिआं बच्चिआं नूं दे औलाद चंगी होवे ते प्यो दा नां जिंदा आउंदा जे बाबा औलाद चंगी होवे ते मां दा नां जिंदा आउंदा ई इंज दा कम कर जा लोकी आखण वाके प्यो वास्ते कुछ कीता ने मां वास्ते कुछ कीता ने मर ते जाना है मुक ते जाना है एक दिन मैं भी मंजी ते बह जाना है मेरा भी जनाजा उठना है तुहाडा भी उठना है पर इंज दा कम कर जा तेरा बाप कबर विच खुश हो जाए तेरी मां कबर विच खुश हो जाए रब्बा सोनिया मेरिया पुत्रां ने मैनू भुले नहीं मैनू याद कर करके रोंदे ने नाले दुआवां करदे ने ओए गोरियां दे पिंड विच आउण वाले आ जुमले सुन जाया नहीं जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है इधर मेरे वाल वेख्या जे जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है फुल्लां वांग जिन्ना तेनू गोद खिडाया है फुल्लां वांग जिन्ना तेनू गोद खिडाया है धुप्पां विच ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜਾ ਬੂਵੇਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਣੋ ਏ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਏ ਮੰਜਾ ਬੂਵੇਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁਣ ਲਓ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਇਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਆਖਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦੀ ਯਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ इस वास्ते हज़रात तेज़ी वकार दो तो चार मिनट रह गए जुमले समाप्त कर जाए अज दुनिया छुट दी है तो छुट जाई माँ प्यो कि छड़ देना चाहिए है वे कोई ऐसा विच बैठा भी जड़ा आखे भी बुढ़ी आखे तो माँ प्यो छड़ देना चाहिए छड़ना चाहिए नहीं छड़ना चाहिए अगले दिन मैनू कहिंदा कहिंदा गारी साहब मैं मेरी बीवी मैनू लाहौर लैके आ गई
बच्चों नू पढ़ाना सा की करना बच्चों नू ए बाबे सुनियो ए मुंडिया के दिल की दुनिया ना बदली तो मैं जुर्मदार हाँ आ सुन गल कि वड्डी कर लगा अल्लाह की इज्जत की कसम कहना कारी साहब मैं बच्चे ले बीवी ले मैं रेंट से मकान ही लिया लाहौर ए बाबा जी गल सुनने वाली जे बुजुर्ग चेहरे तशरीफ फरमा ने कहना कारी साहब 10 साल हो गए ने मैनू लाहौर आया किन्ने साल 10 साल कहना ए सी भी लवाया स्कूलों अच्छे स्कूलों में बच्चों को सारा कुछ पढ़ाया सच्ची दसा मैं क्या दस कहता मेरे अंदर सुकून कोई नहीं मेरे अंदर वो दसो गोरिया लो सुकून आ सकता है जेडे माँ प्यो छड़ के टुर जाने उन्होंने सुकून आता है जिथे मर्जी टुर जा यूरोप टुर जा तो भावें अरब ममालक टुर जा इन्हें तेनों इस वास्ते नहीं सी जमया कि जो ये वडेरे हो जाए तो तू बुढ़ी फड़े तो निकल जाए तू बच्चे फड़े तो निकल जाए इन्हों कि सामभना दस वो माँ प्यो नहीं जे सामभना यह छोटा जहा बच्चा ना गल बड़ी कीमती जे मैं पौने जेडे मैं गल की मैं इंशाला उस टाइम तो छड़ देनी जुमले सुने जे बाप से ना मेरे नबी ने फरमाया कि जिन्हें बाप को नाराज़ किया उन्हें अल्लाह को नाराज़ किया कुरान की कह रहा उफ़ वाला तन हर हुमा उफ़ भी ना कहीं इतने तो उफ छड़ के लोग गलमियों पै गए ने अबे अब्बा दुकान मेरे ना कर तुसी नहीं है वेंदे खबर पाक पतन के अंदर पुत्र ही पे प्यो मारदा सी ना ते नूं भी मरवांदी सी कोल खलो के अलामा साहब चिट्टी दाड़ी सी बाप दी उन्हें कहा मैं इन्नी जिंदगी तो तू जमीन पिछे प्यो नूं ठुड्डे पे मारदा वो लानती नहीं पुत्र अल्लाह की इज्जत की कसम है रब्बे काबा की इज्जत की कसम है तू तो जन्नत तू तो जहन्नम खरीद ली दुनिया ते रह के सारा पिंड भी तेनों आखे ना तेरा अब्बा नहीं चंगा उन्होंने कहा परां हो जाओ जिन्हें मैनू पाले आवे मेरे तो खर्च किया वह क्यों नहीं चंगा अपने प्यो का साथ देईदा चाचियां का साथ नहीं देईदा मैं गल सची पै करदा जे तो जिन्हें प्यो नूं छड्या जे तेरा दुनिया में कोई बन गया तो मेरे गिरे बांध तू फड़ लई बहुत वड्डी मैं गल पै करना तो अलल ऐलान कैमरे दे विच पै करना पुत्र लगा सी बन्ना बनान लगा सी ते गर्मी सी नूरानी साहब अलामा साहब ते धुप बड़ी सी बाप डेरे ते आया तो ते कोई बर्दाश्त ना होया भी मेरा पुत्र लगा वो जवान होया सी उन्हें पुत्र नूं कई फड़ लिया उन्हें कहा पुत्र अपना ही पिया वे ते अपनी खा ले गर्मी बड़ी है जरा सह ली लै ते लोडे वेले आपे फिर खाल कढ लांगे बन्ना बना लांगे उन्हें कहा अब्बा तू कड़ा बनाना मैं ही बनाना ना तू बह जा छावें ते मैं लगा काम मैनूं करन दे गुस्से नाल कहा बाप को फिर बर्दाश्त ना होया अब्बा सियाणा सी घाट टुर गया उन्हें पोतरे नूं मोंडे ते चुकिया ते आ गया जिथे पुत्र पिया खाल बनांदा सी ना नूरानी साहब शकील साहब उन्हें अपने पोतरे नूं उहदे कोल लिया के खड़ा कर छड़िया जदों उहदी नज़र पई ना अपने पुत्र ते उन्हें कहा अब्बा तेरा दिमाग नहीं काम करदा उन्हें कहा पुत्र करदा उन्हें कहा की कीता ई उन्हें कहा पुत्र की होया ई उन्हें कहा मेरे छोटे जे पुत्र नूं तूं लिया के ते गर्मी विच मेरे कोल खड़ा कर छड़िया तो बाप मुस्कुरा के कहन लगा की होया जी आंदा अब्बा तकलीफ होई है फरमाया तेरा पुत्र गर्मी च खलोवे तो तेनू तकलीफ आती है तो तू किसी का कुछ नहीं लगता गल एक भी काम की लभ जाए तो वह भी बड़ी आँदी ये नहीं भी बंदा तकरीर करता रहे तो सुनता रहे उन्हें कहा तू मेरा है ना तेनू इस वास्ते मेरे दर्द का नहीं पता है तेरा है ना तो तेनू दर्द होया ना तू आख्या इन क्यों तू पिखड़ा किया जे तो तू मेरा है मेरे को भी नहीं बर्दाश्त होया कि तू गर्मी में कम करें बाबा कदी तू कामयाब है जे तेरे अब्बे दे अथरू तेरी वजह तू ना आउणगे तेरा बाप तेरी वजह तू ना रोवेगा तू समझ बेनमाजी भी होया हो सकदा अल्लाह नमाजा माफ़ कर छड़े ये सजा जड़ी जे ना ये अल्लाह माफ़ नहीं जे करदा ते मियां मोहम्मद बख्श ने कलम उठाई ते तकरीर मुक गई गल मुक गई रोमिए कश्मीर बाबे तड़फे आ रे मियां साहब आंदे ने वीर वीरां दे हे तरे दी होंदे थे वीर वीरां दियां पामा बाप सिरां दे हे ताज मोहम्मद थे मामां ठंडियां छावां ते लैओ यार लो जी गोरियां लियो हे लैओ यार हवाले रब दे आए हाय हे लैओ यार हवाले रब दे थे मेले नी चार दिना दे
उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बला।